अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखते हैं कि आशुरे का दिन कैसे गया। तो ये अंधेरी यहाँ पे छोटे ताज़िए निकल रहे हैं, बट अब मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी धारा भी, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े ताज़िए निकलते हैं और इतने लोग आते हैं ना कि पुलिस सारे रोड्स ब्लॉक कर देती है और मेला भी लगा है बच्चों के लिए। तो देखना आगे ब्लॉग में। पहली बार आई मेला लगता है बच्चे का, जगह ये रोड बंद हो जाएगा। हाँ अरे कितना रहता है देखो पब्लिक। सामने देख रहे हो रोड पे चालू हो गया मुंगी जैसे पब्लिक है। नहीं चालू है अरे अभी पब्लिक कुछ नहीं हुई है, अभी पूरा खाली है। अभी पब्लिक आती है इतनी? अभी देख ऐसे बैठे रहेंगे लोग मुंगी जैसे ना। एक पता है लोग सीट रिजर्व करके रखे हैं लोग। ये लोग सब अभी लाइन से अभी पब्लिक आ रही है। शरबत फट रहा है। अबे सुबह के दिन आओगे तो वो ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल से नहीं जाएंगे लेके जाएंगे, शाहनगर से ले जाएंगे। अभी नहीं गए अभी। लोग वो पंजे नहीं रखते है क्या? नहीं। जो भी अदर बात रखेंगे। जेंट्स लोग का इतना रश हो जाएगा ना शाम में कि मतलब मैं व्लॉग शूट करने तो जा ही नहीं पाऊंगी, इसलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। बच्चे लोग ऐसे सब करके ना तभी भर ये सब क्यों करते हैं? मेरे को चाहिए था। और सिग्नल पे एक टैक्सी दिखी तो जो शिवाजी महाराज है ना उनके लिए पूरा है ना ऐसा फोर्ट जैसा बनाया था, काफी प्रिटी लग रहा था। और ये आशुरे के दूसरे दिन का वीडियो है। हमने ना बिरयानी बना के मंगवाई थी ताकि हम लोग बांट दे गरीबों में। सिख बिरयानी मंगवाई है बांटने के लिए, तो वही मैं अभी निकाल रही हूँ उसको। एक्चुअली मौसम की वजह से ना सबकी तबीयत इतनी खराब है ना, मेरी खुद की इतनी ज्यादा खराब हो रखी है, उठने भी नहीं हो रहा था मुझे। बट सोचे थे कि आशुरे के टाइम पे देना है बिरयानी बांटने का, तो वो तो बनता था तो वो कर रहे हैं हम लोग अभी फटाफट। अभी उसको ना पैकिंग कर रही थी मैं और अदीबा मिलके। तो अभी इतने पैकेट्स बने हैं, अभी और मैं पैकेट्स बना रही हूँ और अदीबा उसको घाट मार रही थी। और हमने सोचा था कि वो कंटेनर आता ना उसमें दे दे, मगर बिकॉज ऑफ रेन्स बारिश है ना तो पानी अंदर भी जाएगा और ऊपर से जो कार्डबोर्ड का होता है वो कभी भीग गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो बहुत जगह बांटना था। तो ये रीज़न से हम लोगों ने प्लास्टिक की बैग्स डाला कि वो लोगों को भी कन्वीनियंट रहे कि अभी खाना है या बाद में खाना है वो हिसाब से। एंड जो बड़ा बर्तन है ना उसमें से मैं छोटे इसमें इसलिए निकाल रही हूँ कि जो मलाई है ना सीख बिरयानी की तो वो अच्छे से मिक्स हो, किसी को सूखा किसी को मसाला ऐसे ना जाए। और तो अच्छे से मैं मिक्स करके सब पैकेट्स में भर रहे थे। एक्चुअली पर्सनली मेरे को और तुफेल को जाना, बट तबीयत इतनी ख़राब है ना सबकी कि नहीं जा पाए हम लोग, तो डिस्ट्रीब्यूशन सब मोइन एंड शफक के हाथ में है। मोइन अभी जा रहा है लेके बांटने के लिए, अभी थोड़ा शफक लेके गई अभी मोइन लेके जा रहा है। और आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा मेरी ये कितनी सर्दी हुई है मुझे, और सुफेल और मॉम को इतना हाई फीवर है, बस दुआ करो सब जल्दी ठीक हो जाए। चल
अल्लाह हाफिज़। अच्छे बराबर से जाके बांट किया, ठीक है जी। और उसके फ्रेंड्स ने 1000 लीटर का पिस्ता शरबत बनाया था एज अ न्याज फॉर आशुरा, बट उसका वीडियो मेरे पास ठीक से आया नहीं क्योंकि वो लोग जोगेश्वरी में बनाते हैं। स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि शॉर्ट्स में मैं डाल दूँ उसको इंशाल्लाह। सो व्लॉग पसंद आता डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।